सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर ऑनलाइन अवकाश आवेदन की प्रक्रिया में हुआ बदलाव, अब इस प्रकार करें आवेदन। जी हाँ साथियों, शाला दर्पण एक बार फिर अपडेट हो गया है। इस अपडेट के साथ एक अपडेट, नई अपडेट ये लेकर आया है कि उसके लिए अब अवकाश आवेदन की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। वहाँ हल्का सा थोड़ा बदलाव है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। कई साथियों ने मेरे को कमेंट करके पूछा है कि सर आवेदन में जो हुआ बदलाव है, प्रक्रिया में जो बदलाव है, वो अब बदलाव के बाद हमें ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार करना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको शाला दर्पण पर ऑनलाइन अवकाश आवेदन अब आपको किस प्रकार करना है। हल्का सा बदलाव है लेकिन दोस्तों समझना हमारे लिए अति आवश्यक है। इसके लिए दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको शाला दर्पण पर। ये देखिए दोस्तों, मैंने शाला दर्पण में ये गूगल में टाइप कर दिया है राजरमसा और हम चलते हैं शाला दर्पण की होम साइट पर। होम साइट पर चलते हैं तो हमारे सामने ये पोर्टल ओपन होता है राजरमसा का। आप सभी जानते हैं कि अवकाश के लिए आवेदन जो करना होता है हमें स्टाफ लॉगिन पर करना होता है। तो यहाँ हम स्टाफ लॉगिन में चले जाएंगे नीचे, क्योंकि ये हमारा पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर हमेशा ही अपना स्टाफ विंडो पे होगा, तो स्टाफ विंडो खोलेंगे। मैंने क्लिक कर दिया है ये स्टाफ विंडो। अब यहाँ पे ये लॉगिन का बटन आ रहा है, लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने स्टाफ विंडो खुलकर सामने आ जाता है। यहाँ पे हमें अपनी यूज़र आईडी, पासवर्ड और ये हम लॉगिन हो चुके हैं। सबसे पहला बदलाव यही है कि अब हमारा नाम यहाँ पे शो हो रहा है, आईडी शो हो रही है, नई सी आईडी शो हो रही है और प्रेजेंट पोस्टिंग जो भी है उसके कोड नंबर शो हो रहे हैं। पहले ये नहीं होता था, यहाँ पे हमारा फोटो आ जाता था। अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज यहाँ से हम हिंदी और इंग्लिश दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में से एक, जैसे इंग्लिश सेलेक्ट की हुई है आप चाहे तो हिंदी में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हिंदी में जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ ये जो थ्री डॉट्स है वो जैसे ही हम थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये इंग्लिश में ऑप्शन शो होते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ से लैंग्वेज बदल देता हूँ, ये देखिए हिंदी, जैसे ही मैं हिंदी करूँगा तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो हिंदी में होना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए सबसे पहला बदलाव तो ये हो चुका है। अब चलते हैं अपने दूसरे और अगले बदलाव की ओर। अब आपको अपनी बेसिक डिटेल, प्रोफाइल डिटेल वो भी कंफर्म करनी है, वो यहीं से होगी। साथ में ये जो थ्री डॉट है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे खोलेंगे तो आपको अपनी फ़ोटो नज़र आ जाएगी और आपने कब लॉगिन कर रखा है, यानी आज की डेट भी नज़र आ जाएगी। ठीक है, जब इसको हम खोलेंगे यहाँ से, ये पास में बटन आ रहा है खोलने का, तो यहाँ पे हमारी प्रोफाइल दिखेगी। अगर पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं और यहीं से हमें लॉग आउट भी करना होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहली बात कि अवकाश आवेदन की, वो हमें कहाँ से करना है। इसके लिए दोस्तों अवकाश आवेदन के लिए ये जो थ्री डॉट है आपको नज़र आ रहे हैं, जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करते ही यहाँ पे आवेदन, प्रोफाइल, प्रपत्र और रिपोर्ट्स, आपको आवेदन करना है तो यहाँ पे क्लिक नहीं कर यहाँ जो सामने बटन आ रहा है ये खुलने वाला, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए ऑप्शन शो हो जाएंगे, स्थानांतरण हेतु आवेदन, अवकाश हेतु आवेदन, एचएम सीनियरिटी के। अब अवकाश हेतु आवेदन है तो ये डॉट जो है जहाँ मेरा कर्सर है ये आप खोल लीजिए। अवकाश हेतु आवेदन ये यहाँ पे आ जाएगा, अवकाश हेतु आवेदन। अब आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अवकाश हेतु आवेदन के लिए आपकी एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी, जहां आपका नाम, पोस्ट सब कुछ नज़र आएंगे। उसके बाद पूरी डिटेल आप जानते ही हैं, कहां कैसे आपको आवेदन करना है। आपका नाम आ जाएगा, लिव रीजन आ जाएगा, ये डोमेस्टिक, पर्सनल, कैजुअल, इंसिडेंटल, हॉस्पिटलाइजेशन जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद लिव टाइप है वो सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ फ्रॉम और यहाँ टू, कब से कब तक है, अगर आप फुल डे और हाफ डे लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ ऑप्शन है, ये देख लीजिए। नंबर ऑफ डे आ जाएगा, एड्रेस ड्यूरिंग लीव पीरियड, कहाँ आप रहेंगे इस अवकाश के दौरान वो है। हेडक्वार्टर लीव रिक्वायर, अगर हेडक्वार्टर छोड़ रहे हैं तो यस या नो और रिमार्क करके नेक्स्ट कर लीजिए। बाकी का ऑप्शन आप सभी को पता है, मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। पास में एक ऑप्शन आ रहा है स्टेटस का, यहाँ से आप स्टेटस बटन पे क्लिक करते हैं
तो आपको स्टेटस सारा नज़र आ जाएगा, पेंडिंग क्या है, ऑल एप्लीकेशन क्या है, आपने इससे पहले अगर कोई एप्लीकेशन ले रखी है तो वो शो हो जाएगी। लिव रूल यहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं, और साथ में अब आपको लॉग आउट करना है तो इस साइड से लॉग आउट होंगे आप। यहाँ से यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ से आ जाता है लॉग आउट बटन, तो आप लॉग आउट भी हो जाओगे। तो दोस्तों ये थे कुछ बदलाव जो अवकाश आवेदन और शाला दर्पण पर जो स्टाफ विंडो है उसमें ये बदलाव हुए हैं जो मैंने आपको बताए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।